हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश शुक्ला। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल गवर्नमेंट बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर और भी जितनी जॉब्स हैं उन सब के बारे में एक एनालिसिस करके आया हूं। काफी दिन से इस पे मैं एनालिसिस भी कर रहा हूं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इससे न्यू अपडेट क्या है, कब तक एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराएंगे या फिर जितना भी एग्जाम वगैरह हो चुका है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों देखते रहे, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। मैं दोस्तों आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करके लेके आया हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम्स अभी पेंडिंग में है और कब तक होने की संभावना है या फिर जितने भी रिजल्ट आने वाले थे वो रिजल्ट कब तक आएंगे और आप अपनी तैयारी को कब तक इसको बूस्ट करते रहेंगे या फिर आप क्या करना चाहिए इस लॉकडाउन में। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहिए, मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल में बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब तक होगा या फिर इसका एग्जाम या इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा SBI क्लर्क के बारे में। दोस्तों SBI क्लर्क का एग्जाम तकरीबन 3 महीने पहले ही करा दिया गया है और इसका प्रीलिम्स का अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों काफी सारे बच्चे इसका वेट कर रहे होंगे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा और वो अपनी मेंस की तैयारी कब तक स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस पे एक अच्छी खासी खबर निकल के आई है और दोस्तों मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को बराबर भी विजिट करता भी रहता हूं, तो मैं कोई फेक न्यूज नहीं बता रहा हूं, ये जेन्युइन है जो मुझे पता चला है। मुझे वैसे, मैं उनका कोई बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ कि मुझे सारी चीजें पता चली है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ इन सारी चीजों को देखते हुए कि इस महीने के लास्ट तक SBI प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप अपने मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस महीने के जैसे ही लास्ट में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इंडिया में लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, अभी अनलॉक करके ये चल रहा है, 31 जून तक चलेगा, उसके बाद में हो सकता है कि जिंदगी अपनी लाइन पे आ जाए और फिर आगे इसका प्रोसेस किया जाए। तो दोस्तों कब इसका एग्जाम, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बैंक के एग्जाम ऐसे होते हैं इसका बहुत जल्दी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तकरीबन 6 से 7 महीने में आपको एग्जाम से रिलेटेड लेके और इसका ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस पूरा कर लिया जाता है। तो अभी वैसे भी काफी लेट हो चुका है, तो अगर आप अपने मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू बनाते रहिए। अब मैं बात करना चाहूंगा NTPC और ग्रुप डी के। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी 1 लाख वैकेंसी और NTPC की 35,000 वैकेंसी आई हुई थी, जिसका एग्जाम 2019 जून में होने वाला था और अभी तक इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसका एग्जाम का वेंडर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, एग्जाम कब तक होगा, पहले तो इसका स्टेटस आ गया, स्टेटस आने के बाद में कुछ बच्चे काफी एक्साइट भी थे कि हाँ चलो अब एग्जाम हो जाएगा, अपनी भी एक जॉब हो जाएगी, लेकिन अभी रेलवे का अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। तो आगे इस पे क्या प्रोसेस चल रहा है उससे रिलेटेड एक अच्छी खासी खबर निकल के आई है, वो मैंने आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है, मैं काफी दिन से इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं तो ये पूछते रहते हैं सर इसके बारे में कोई न्यू अपडेट बता दीजिए। तो मैंने इस वीडियो में इस काफी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे पाऊं। जो भी अपडेट निकल के आई है, इनकी जितनी भी 17 इनका जोन है, उन सारे जोन्स पे मैं जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके और इनका पूरा बायोडाटा लेके आया हूँ। तो दोस्तों इससे एक रिलेटेड खबर ये आई है कि अगस्त से पहले अभी इसका कोई भी एग्जाम होने की कोई भी संभावना है ही नहीं, क्योंकि अभी तक वेंडर ही सेलेक्ट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है जो वेंडर की प्रॉब्लम थी कि भाई अभी कोई वेंडर ही नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो अभी इस पे काफी वर्क भी चल रहा है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा काफी एग्जाम क्या पूरी दुनिया ही तहस नहस पड़ी हुई है, पहले तो अपनी जान ही बचाने पे तुले हुए हैं सब लोग और सही भी है। तो अभी एग्जाम वगैरह होने का कोई भी चांस नहीं है अभी इसमें। तो उसमें जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ था, उस नोटिफिकेशन में साफ मेंशन था कि अगस्त से पहले NTPC ग्रुप डी का एग्जाम होने की कोई भी चांस नहीं है। अब मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा SSC MTS के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि SSC MTS का जो है प्री और डिस्क्रिप्टिव जो दो एग्जाम्स होते हैं वो दोनों ही एग्जाम हो चुके हैं और अभी इनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इन पे जाके मैंने विजिट किया था, तो अभी कोई पक्की खबर वहां से निकल के नहीं आ रही है कि इसका रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि और भी काफी प्रोसेस में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब का जो भी आगे का प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि हाँ अगस्त तक इसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सकता है और उसका रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट है वो आने वाला है अगस्त तक आएगा। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से सारा काम बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो फिर से प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो सारे
गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम बचे हुए हैं या फिर इनका जिनका रिजल्ट आने वाला है वो सारी चीजें फिर से इनकी प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ जो कि आप लोगों को मैं अपडेट करता रहता हूँ, कैरियर से रिलेटेड काफी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके की वीडियो पाते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय।